हैदराबाद शहर का, तेलंगाना का एक काला सुअर, तेलंगाना का एक काला लिंडू, जो वलदुल जिना है, जिना की पैदाइश है, जिसका जिसकी मां की गलती की वजह से आज वो काला सुअर जो है वजूद में आया है। कोई हलाली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या किसी भी धर्म के बारे में जो हलाली होता है वो कभी गुस्ताखी नहीं करता है, वो कभी नाजेबा कलिमात का इस्तेमाल नहीं करता है, कभी अपनी जबान से गाली गलौज नहीं करता है। पर ये राजा सिंह जो है, जिसे काला सुअर कहा जाता है, ये हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता था। हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश था, जातियत का मसला था, खामोश था। आज इसकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है, इसकी जरूरत इतनी बढ़ चुकी है, यह डिपार्टमेंट को खुलेआम चैलेंज करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाता है, संविधान की धज्जियां उड़ाता है। धज्जियां उड़ाते हुए हमारे आका मदीने के ताजदार रहमतुल्लिल आलमीन के खिलाफ इतनी बड़ी गुस्ताखी किया है, आज तक दुनिया में इससे बड़ी गुस्ताखी किसी मलून ने नहीं की थी। हैदराबाद के शहर के नौजवानों के मैं जज्बे और जुर्रत को सलाम करता हूं। जैसे उसकी गुस्ताखी का वीडियो वायरल होने के बाद हैदराबाद के तमाम नौजवान, तमाम उलमाए किराम सड़कों पे उतरकर रात भर एहतजाज कर धरना कर उस गुस्ताख के खिलाफ, उस गुस्ताख रसूल के खिलाफ, उस राजा सिंह के खिलाफ एहतजाज करते हुए सरकार से मोहब्बत का सबूत दे रहे थे, मेरे आका से मोहब्बत का सबूत दे रहे थे। वहां की पुलिस उस राजा सिंह को, उस काले सुअर को अरेस्ट करती है। शर्म की बात है, अफसोस की बात है, मुल्क का संविधान दस्तूर हिंद होने के बाद भी, इतना बड़ा एहतजाज होने के बाद भी, उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज होने के बाद भी, इसके ऊपर कई केसेस बुक होने के बावजूद भी पुलिस वाले उसको अपना दामाद समझते हैं, क्या समझते हैं मुझे पता नहीं, उसको बाइज्जत रिहा किया जाता है। ये बड़े शर्म की बात है। मुसलमान अमन की बात करता है, मुसलमान शांति की बात करता है, पर रसूलुल्लाह की गुस्ताखी अगर तू करेगा, इस्लाम की शान में तोहिन करेगा, फिर अमन बाकी नहीं रहेगा हिंदुस्तान का, फिर अमन और शांति बरकरार नहीं रहेगी। रसूलुल्लाह की ताजिम करेगा तो अमन बरकरार रहेगा, अगर रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करेगा तो हिंदुस्तान और दुनिया भर का अमन खराब हो जाएगा। नरेंद्र मोदी और ये भाजपा से मैं अपील तो नहीं करूंगा, उनको इंटीमेट करता हूं, इस राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इसको फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए, इसको जेल के सलाखों में डाला जाए और इस काले सुअर के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। मैं तमाम गुलबर्गा शहर के मुसलमानों से और सेकुलर हिंदुओं से और तमाम समाज के लोगों से मैं अपील ये गुजारिश करता हूं, इस राजा सिंह के खिलाफ, इस फड़वे के खिलाफ, इस सुअर के खिलाफ बरोज जुमेरा 25 अगस्त के दिन जगह सर्कल से डीसी ऑफिस तक ठीक 10 बजे एक बहुत बड़ा एहतजाज रखा गया है, एक बहुत बड़ी रैली निकाली जा रही है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट सिटीजन की तरफ से। यह बहुत बड़ा एहतजाज जिसके अंदर तमाम समाज के लोग, तमाम धर्म के लोग हैं। मैं तमाम गुलबर्गा शहर के गयूर मुसलमानों से, आशिक रसूल से, मैं दिल की अमीक गहराइयों से ये गुजारिश करता हूं, खामोश बैठने का वक्त नहीं है। इस राजा सिंह का जवाब देना हमारे ईमान वालों पर फर्ज हो चुका है, मुसलमानों के ऊपर फर्ज हो चुका है। तो तमाम आशिक रसूल, आशिक बंदा नवाज से मैं गुजारिश करता हूं कि सरकार बंदा नवाज के शहर से एक रैली निकालकर इस खबीस के खिलाफ कार्रवाई की मांग करना है। मैं तमाम समाज के लोगों से, दिल की अमीर गहराइयों से अभी एक बार अपील करता हूं, जुमेरात के दिन, बरोज 25 अगस्त के दिन ठीक 10 बजे आकर इस एहतजाज को कामयाब करकर नबी से मोहब्बत का सबूत दीजिए।